हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन वेलकम, माय नेम इज मनीषा। और आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट रिव्यू। तो आज मैं रिव्यू करूंगी एम कैफेन नेकेड डिटॉक्स ग्रीन टी हेयर ग्रोथ ऑयल। सो मैं डिटेल में इसका रिव्यू भी करूंगी एंड आप लोगों के साथ डेमो भी शेयर करूंगी कि इसको कैसे यूज करना है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड बिफोर दैट, ये वाला मेकअप लुक ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आपने अभी तक चेकअप उट नहीं किया है आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग। तो ये जो प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है एंड पैकेजिंग के ऊपर ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, लाइक इंग्रेडिएंट लिस्ट, कैसे यूज करना है इसको, कितना एमएल प्रोडक्ट आपको इसमें मिल रहा है, इसका प्राइस, इसका शेल्फ लाइफ सब कुछ मिल जाता है। सो दिस प्रोडक्ट रिटेल्स फॉर 345 रुपीज एंड प्रोडक्ट आपको मिल जाता है 50 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड इसका शेल्फ लाइफ है 24 मंथ। सो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड जो इनसाइड का पैकेजिंग है, एक्चुअल प्रोडक्ट का पैकेजिंग है, वो है कुछ इस तरह का। दिस इज अ ग्लास बॉटल एंड इसके यहाँ पीछे भी आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, इंग्रेडिएंट लिस्ट वगैरह। सो अगर आप इसको खो भी दोगे सो इट डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। एनीवे, सो ये जो प्रोडक्ट है ये एक ड्रॉपर के साथ आता है, यू गाइस कैन सी। इससे आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितना प्रोडक्ट चाहिए एंड इससे आप बहुत इजीली अपने स्कैल्प पे भी ऑयल लगा सकते हो, बिकॉज ये डायरेक्टली आपके स्कैल्प में आप अप्लाई कर सकते हो। हाथ में लाइक डाल के ऑयल से जो मेस क्रिएट होता है वो नहीं होता है। सो विच आई रियली रियली लाइक, बिकॉज इससे मैं डायरेक्टली अपने हेयर पे यू नो ऑयल डाल सकती हूँ जितना अमाउंट मुझे चाहिए। सो नेक्स्ट आई बी टॉकिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट एंड एग्जैक्टली आपको कैसे यूज करना है इस हेयर ऑयल को। सो इंग्रेडिएंट में दिस क्लेम्स कि इसमें कोई भी केमिकल बेस्ड इंग्रेडिएंट नहीं है, सारे जो इंग्रेडिएंट है सब नेचुरल है। सो इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि इसमें ग्रीन टी ऑयल है एंड ऑनियन ऑयल है, उसके अलावा भी इसमें सनफ्लावर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सेसमी ऑयल है, आंवला ऑयल है एंड ऑल्सो एलोवेरा, वाइटमिन ई, ग्रेपसीड ऑयल, ब्राह्मी ऑयल। सो जो भी सारे इंग्रेडिएंट है इसमें बेसिकली दे आर रियली रियली गुड फॉर योर हेयर। सो सनफ्लावर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल आपके हेयर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से कंडीशनिंग करते हैं, उसके अलावा विंगराज एंड वाइटामिन ई आपके स्कैल्प को भी बहुत ज्यादा अच्छे से बूस्ट करती है। इसमें ग्रीन टी भी है जो कि आपके स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से डिटॉक्स करती है एंड अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है उसको भी रिजॉल्व करती है। एंड ऑनियन हेयर ऑयल आपके हेयर का जो ग्रोथ है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा करता है। सो जो भी सारे बेसिकली इंग्रेडिएंट है काफी ज्यादा अच्छे हैं हेयर के लिए। सो इस प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन दिया हुआ है इसको यूज करने के लिए वो है, ब्रश योर हेयर टू गेट रिड ऑफ नॉट्स एंड टैंगल्स, सेक्शन योर हेयर इन पार्ट्स एंड अप्लाई द ऑयल विद सर्कुलर मोशन, फोकस ऑन द रूट्स, यूज योर फिंगर टिप्स टू स्टिमुलेट द स्कैल्प बाय मसाजिंग इट फॉर 10 to 15 मिनट्स, लीव इट ओवर नाइट एंड वॉश अप विद अ माइल्ड शैम्पू। सो यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया हुआ है मैं वैसे ही इस ऑयल को यूज करती हूँ। मैं डेमो भी आपको दिखाऊंगी। बेसिकली मैं रात में ऑयलिंग करती हूँ एंड सुबह को मैं शैम्पू कर लेती हूँ एंड 2-3 घंटे पहले मुझे लगता है ऑयल देने से कोई फायदा नहीं होता। सो बेसिकली आई ट्राई टू ऑयल माई हेयर ओवरनाइट, जिससे आपको जो भी सारा बेनिफिट है इस ऑयल का वो काफी अच्छे से मिलता है। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन कि ये जो ऑयल है ये थोड़ा सा हैवी है, तो अगर आपको हैवी ऑयल्स नहीं पसंद है इन जनरल तो आप इसको अवॉइड कीजिए, बिकॉज इसका जो टेक्स्चर है बहुत ही ज्यादा हैवी है, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑयल्स है एंड ऑनियन ऑयल भी है जो कि थोड़ा सा हैवी है। सो अगर आपको हैवी ऑयल्स नहीं पसंद है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। सो ये जो हेयर ऑयल है इसको मैं लास्ट 1 महीने से यूज कर रही हूँ एंड मेरी छोटी सिस्टर भी इसको यूज कर रही है एंड उसका जो हेयर फॉल है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, बिकॉज उसका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था एंड मेरा उससे थोड़ा कम ही होता है, बिकॉज लास्ट 2 महीने से मेरे उतना ज्यादा हेयर फॉल नहीं हो रहा था। सो इसलिए हम दोनों ने ही इस हेयर ऑयल को ट्राई किया एंड आई हैव टू टेल यू गाइस कि उसका जो हेयर फॉल है वो बहुत कम हो चुका है, लाइक आफ्टर 5
5-6 यूजर्स एंड मेरे जो हेयर फॉल है वो सिर्फ शैम्पू करने के टाइम ही जनरली होता है या फिर जब मैं बहुत ज्यादा हीटिंग टूल्स यूज करती हूँ तभी होते हैं. बट शैम्पू करने के टाइम भी मैंने नोटिस किया है पहले जितना हेयर फॉल मेरा होता था उससे कम हो चुका है. सो आई हैव टू टेल यू कि ये वाला जो हेयर ऑयल है ये काम करता है. एंड इसके अलावा मैंने कोई भी हेयर ऑयल लास्ट एक महीने में यूज नहीं किया है. सो जो भी रिजल्ट है इसका ही है. सो आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू यू गाइज. आप बिल्कुल से ट्राई कर सकते हो. इट वर्क्स एंड मुझे रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा. सो ये था रिव्यू पार्ट. तो चलिए अब देख लेते हैं इस हेयर ऑयल को मैं एग्जैक्टली कैसे यूज करती हूँ. अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड एवरीवन. एंड आल्सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो. लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन बाय. टेक केयर. आई लव यू गाइस सो सो मच. बाय.